डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़ के मैं पहुंच चुका हूँ एजेंडी बुबू के धार पे। एजेंडी बुबू के मंदिर में मैं आया था दिया जलाने के लिए। हम घर से नहा धो के आए थे मस्त तरीके से, जा रहे हैं भगवती मंदिर जा रहे हैं। और थोड़ा बहुत आप लोगों को अभी नीचे जाके मंदिर में पहुंच के भगवती मंदिर के बारे में भी बताएंगे। तो गाइज ये है दसौली का गांव, जो कि हमने इसी पहाड़ से आए थे हम लोग। तो मैंने कोई ब्लॉग छोड़ने गया मंदिर से, मैंने कोई ब्लॉग छोड़ने गया। अभी मैं यहाँ का कुछ नज़ारा दिखा रहा हूँ आप लोगों को। हम लोग पहुँच चुके हैं पाखो वाली रोड में और भगवती मंदिर का गेट दिख रहा होगा मेरे पीछे। हमारे दीदी लोग भी मिले हैं साथ में और साथ में बहुत पहुँच चुके हैं मंदिर और मंदिर में साथ साथ में मेरे को दीदी मिली है और दीदी के साथ जा रहे हैं हम आज। और ये दीदी को तो पहले भी देखा होगा आप सभी लोगों ने। और ये है सामने में मंदिर हमारे और थोड़ा बहुत अभी थोड़े मंदिर में पहुंचते हैं, उसके बाद दिया जलाने के बाद फिर आप लोगों को मंदिर के बारे में बताते हैं। गेट में और ये मंदिर का गेट है, यह है साथ में मंदिर का गेट। इस मंदिर के गेट से ऊपर को यह है मंदिर। बहुत तो को जा रहे हैं अभी हम लोग और साथ में इस साथ साथ में हमारे घंटी लगा रखे। देखो लोगों ने इतनी घंटी लगा रखे हैं, साथ में अपनी निशानी बना के रखे हैं। फिलहाल अभी हम लोग ना आत्मा अस्पताल हो गया है और अब जा रहे हैं हम मंदिर की ओर। जय हो भगवान। यह है माता का दरबार और माता के दरबार में हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ना मंदिर के एक बार आप सभी लोगों को एक बार दिया जलाते हैं, उसके बाद फिर मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत जानकारी खुद मैंने ले रखी है तो थोड़ा बहुत आप लोगों को उसके बाद बताते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी मैंने पूजा वूजा करके और आ चुका हूँ मैं और थोड़ा बहुत पूजा करने की मंदिर में, मतलब लगभग दिन के 70 या 80 पूजाएं यहाँ पे कंटिन्यू एवरीडे होती है। और ये मंदिर पाखो और थल मुआनी जो कोट बने वाली रोड है इसमें, इस घाटी के फेमस मंदिर है ये, जो कि इस मंदिर ये माँ कोकिला के दर है। और इस दरबार में ना यहाँ पे जो न्याय कोर्ट में नहीं होता है वो न्याय इस दरबार में, माता के दरबार में अगर सच्चे दिल से सच्चे गुहार लगा के करोगे तो सच्चे दिल से यहाँ पे ये न्याय माता अवश्य पूरा करते हैं। और इस मंदिर की एक खासियत है कि ये मंदिर पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे खाली एक मूर्ति बसी थी पहले, तो उसके द्वारा लोगों ने जाना और उसके द्वारा यहाँ पे न्याय लगाने आए लोगों और लोगों के द्वारा न्याय लगाया गया। और यहाँ पे लोगों ने न्याय मांगा कि अगर जो चीज़ें कोर्ट में नहीं हो पाती है वो चीज़ें यहाँ पे होती है माता के दरबार आके, तो यहाँ पे कम से कम दिन के बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हो रहा है कथा और जिनकी कथा है वो कथा में बैठे हुए हैं अभी। तो दोस्तों यहाँ पे कुंड का धारा है और जो कि यहाँ पे मंदिर जाने से पहले यहाँ पे हाथ पांव धोए जाते हैं। और यहाँ पे तो दो ही कुंड हैं और एक दो कुंडे यहाँ पे हैं और इसके ऊपर में भी कुंड ही नहा के आए तो वो यहाँ पे नहा सकते हैं। और यहाँ पे साथ साथ हमारी कथा के लिए जो लोग मतलब यहाँ पे खाना बना रहे हैं वो तो यहाँ पे चल रहा है, अभी कार्यक्रम चल रहा है और ये देख सकते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। तो दोस्तों अभी पूरी डालने के बाद अभी हम लोग आए हैं, काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी थी तो अभी हम लोग आए हैं, रेस्टोरेंट था नीचे रोड पे तो रोकना, हम लोग रेस्टोरेंट में आए हैं। रेस्टोरेंट में हम लोग खा रहे हैं चाउमीन और यहाँ पे आए हैं चाउमीन, यहाँ पे ताई जी है और आम है, वो आम है, वो गादिल आम हो, वो पर दीद हो, ये बुआ है, सब और सभी लोग आए हैं यहाँ पे। और आज सभी लोगों से मुलाकात हो चुकी है क्योंकि
मैंने सोचा नहीं था कि मैं मतलब यहाँ आगे इतने लोग आएंगे करके, बट अभी इतने लोग मिल चुके हैं, बहुत ज़्यादा। ये तो सबसे, ये तो एवरीडे वीडियो देखते मेरे, क्योंकि आज मेरे को रोड में भी मिले थे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर भी मिले थे, क्योंकि मेरे को बोले थे आप कहाँ से आए हो, मैंने कहा मैं ठेली चीचर से, तो बोले थे कुंदन पहाड़ी आप ही हो, मैंने कहा हाँ मैं ही, तो वो लोग पहचान नहीं पाए थे, पता नहीं मैंने कैब डाला था इस वजह से नहीं पहचान पाए, नहीं तो बालों की वजह से और कोई पहचान लेता है। बट अभी एक बार चाउमिन खाते, क्योंकि मुझे इतनी भूख लगी सुबह से, मैं नहा दूँगी, मैंने कुछ भी नहीं खा के आया था घर से, बट अभी एक बार सबसे पहले इसको खाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। फिर आप पता है मौसम का एकदम सीन अजीब सीन हो गया, क्योंकि बारिश वाला सीन हो रहा है, क्योंकि अभी तो, और यहाँ पे जो खेती का है ना, खेती तो एकदम से मतलब अभी हल जोता जाएगा, और यहाँ से जो नज़ारा दिखता है ना, वो क्या एक गजब का है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर, मज़ा आ रहा है। यहाँ पे एक साल आते हैं और अभी भी आए हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब मेरा ना माँ भगवती ने मुझे मतलब हर साल का आशीर्वाद दे रखा है कि मैं हर साल यहाँ पे, मतलब जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो बाहर जाके मैं हर बार उसके बाद घर आने के बाद मैं यहाँ पे माँ भगवती के दरबार में दिया जलाने हर साल आता हूँ, हर बार। ओम भूधराय नमः, ओम भूदेश्वराय नमः, ओम नमः, ओम यज्ञपुरुषाय नमः, ओम यज्ञेशाय नमः, ओम यज्ञवाहनाय नमः, ओम चक्रपाणे, ओम मेघवाणाय नमः, ओम शुभांगाय नमः, ओम लक्ष्मीकांताय नमः। आप लोगों को, क्योंकि जो माँ भगवती है ना, माँ भगवती के पांच बहनें थे, ये पांच बहनें तो जब कौन कौन सी माँ पांच बहनें थी, लेकिन मुझे भी नहीं पता है अभी, बट अभी थोड़ा बहुत जानकारी मुझे भी मिली है, लेकिन ये पांच बहनें थी, और पांच बहनों में से माँ भगवती यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आई, क्योंकि माँ भगवती ने यहाँ से पाँच जगह, पाँच अपने पाँच एरियाओं में जाके, और चार एरियाओं में जाके पाँचवीं जगह यहाँ पर बैठी है, और इनके साथ नौलिंग बंजैण सारे पाँच देवता इनके साथ हैं, माँ भगवती के साथ अभी भी, और इनकी मूर्ति भी है, महादेव की भी मूर्ति है साथ में, और यहाँ पे ना जिस धरती में अभी खड़े हैं ना, इस धरती के नीचे ना सबसे पहले तो पानी का नौला था, नौला जो पहले पुराने लोगों के गाँव में होते हैं ना, पहाड़ों में, आजकल तो बट पानी के टैंकी बन चुके हैं, बट पहले जो नौले होते थे ना, नौले जो गड्ढे से पानी आता था, बट वो वाले नौले होते थे, तो वही नौले से पानी आता था, तो यहाँ पर पानी का नौला था, तो उसी से पानी, इसके नीचे जिस धरती में अभी खड़े हैं, तो इस धरती के नीचे अभी भी वो नौला है, और लेकिन वहाँ से पानी आगे जो नीचे धारा दिखाया था, कुंड का धारा, तो उसी नॉलेज का पानी आता है, इसके नीचे जो पानी है वो पानी सीधे धार पे आता है, और इसके जो पांच महीने, और जो यहाँ पे जो फैसला कोर्ट में नहीं हो पाता है, वो फैसला यहाँ पे होता है, इन्हें जैसे निवास किया यहाँ पे, वैसे और पांच बहनों ने किया, जैसे माँ हटकालिका हो गई, जैसे पांच बहनें हैं ये, और पांच बहनों में से एक बहन यहाँ पे बैठी थी, तो इनके साथ नौलिंग बंजैण भी है, और तो दोस्तों यहाँ पे चल रहे हैं अभी फोटो शूट, और ये देख सकते हैं मुझ बुर्गी का पर दूध है। तो दोस्तों
आरती आरती हो चुकी है, बट अब खाने की तैयारी चल रही थी तो हम लोग ऊपर आए हैं अभी। और यहाँ पे देखो, ये है माँ भगवती का पुराना गेट, और ये देखो। तो चलते हैं अब नीचे की ओर। यहाँ पे अभी तक हो रही थी बारिश, अभी बारिश थोड़ी बंद हो चुकी है। चलते हैं अब, थोड़ा भोजन ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, और जो कि भोजन हो रहा है तो सारे लोग बैठ चुके हैं। तो देखिए अभी खाने की तैयारी चल चुकी है और सारे लोग बैठ चुके हैं, और यहाँ से देख सकते हैं जो दूर दराज के लोग हैं वही लोग पहले बैठेंगे, और बाकी तो जो यहाँ लोकल के हैं वो लोग लेट बैठेंगे। और बाकी अभी तैयारी चल रही है खाने की, और प्लेट प्लेट बांटे जा रहे हैं, और देख सकते हैं अभी बहुत दूर दूर से लोग आए तो हाथ में खिलाया जाएगा, क्योंकि आगे ये दो दो लाइन बैठाए जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट तो कोने तक बैठाए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग खा रहे हैं, और हम लोग इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को घर जाना है, क्योंकि हम लोगों को लेट होगा घर जाने के लिए, तो इसलिए हम लोग जल्दी खा रहे हैं। और फिर पुष्कर और वो लोग तो आगे बैठ चुके हैं। और तो गाइज फिलहाल अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है, खाना खा के अब हम जा रहे हैं घर को, क्योंकि मेरे साथ के सारे लोग चले गए हैं, क्योंकि किसी तो उनके साथ काम था तो वो तो चला गया है, बट अभी मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। जल्दी आएंगे माता के दरबार में, निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि यार वो लोग भी बहुत दूर पहुँच चुके हैं और मुझे भी जाना है, क्योंकि वो पाखो वाली रोड पर रुके हैं। तो लोगों को ना भगवती मंदिर आते वक्त ना एक मंदिर यहाँ पे भी मिले, ये भैरव जी का मंदिर है यहाँ पे, और ये रास्ते में आप लोगों को मिलेगा, इसके ठीक सामने में पुल भी मिलेगा, और यहाँ से आप लोगों को ये रोड मिलेगी जो कि सिंगल रोड मिलेगी। और बाकी आप लोगों को अब तो मैं तो मंदिर से निकल चुका हूँ, और आज की वीडियो तो बहुत मज़ा आ गया, क्योंकि मैं कब से मंदिर आने के लिए, यहाँ मंदिर में मैं दिया जलाना था तो मैं कब से मतलब वो था, तो लेकिन आज दिल को सुकून मिल गया। तो फिलहाल गाड़ी हम लोग पहुंच चुके हैं दसौली, क्योंकि जीजा जी और जवाई जी आए थे हमको, हम लोगों को पहुंचाने। हम लोग तो दो लोग हो गए, तो तीन तीन आए, तीन तीन एक ही बाइक में आए थे। तो हम लोगों का स्टेशन यहाँ से, उसके बाद तो अब चलो फिर आज वहीं चलो, उधर ही चलो। तो फिलहाल गाड़ी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एजेंडी बुबू के मंदिर में, और वापसी में, और अंधेरा भी नहीं हुआ है, और यहाँ तारा दादा और बहुत लोग आए हैं हमारे साथ में, नेट चलाने के लिए आए हैं, और मंदिर से आ रहे हैं अभी, और चाचा जी लोग सारे लोग इधर इसलिए रुके हैं क्योंकि ये ड्रीम इलेवन लगाते हैं। और तो अभी यहाँ से निकलते हैं और घर पहुँच के फिर करते हैं ब्लॉग की